साहब कहाँ खो गए थे? जल्दी करो, कंट्रोल ही नहीं होता। दिन में 10 बार जाना पड़ता है, और तो और गोबर की बदबू, छी छी छी। अब क्या, अब कोई दवाई आपके काम की नहीं। मैंने बोला था डीवॉर्मिंग करा लो, पर मेरी सुनता कौन है? ये लो, चमक छल्लो आ गई, अब वही आपकी अकल ठिकाने लगाएगी। अरे ये क्या, दुकान पे तो हल्ला मचा दिया है, अब कौन सा नया झमेला है? अच्छा तो ये मामला है, आप लोग मेरे कहने पे वैक्सीनेशन पर तो गए थे, लेकिन डीवॉर्मिंग की बात अनदेखी कर दी थी ना? डीवॉर्मिंग? हाँ, ये कीड़े गांव में दीमक की तरह फैले हुए हैं, और इसी रोग के कारण आपको डायरिया आए दिन होता रहता है, और तो और आपकी दूध की मात्रा में भी कमी हो गई होगी, क्यों है ना? एक पर्सनल सवाल पूछूं, संभोग करने की इच्छा में भी कमी हो गई है ना? अरे छोड़ो, उसकी तो याद ही मत दिलाओ, संभोग होता भी है तो प्रजनन का तो नामो निशानी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आप सभी के पेट में इस वक्त कीड़े पल रहे हैं, कीड़े, उनको कृमि भी कहा जाता है। महीनों तक वे आपके गोबर घास गांव की जमीन में छुपके पड़े रहे थे, और फिर मौका देखकर आपके अंदर घुस गए। यह आपको बिल्कुल अशक्त बना देता है। खाते आप हैं, लेकिन तंदुरुस्त वो बनते हैं आपका खाना खा खा के। भाइयों और बहनों, अगर इनसे छुटकारा चाहिए तो हमें इनको एक साथ खत्म करना होगा। क्या आप इनको खरीदने के लिए तैयार हैं? जी, तैयार तैयार हैं। तो हमला करें, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आप लोगों को लगता होगा कि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और वैक्सीनेशन कराने से दूध की मात्रा में चमत्कारिक वृद्धि होगी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि चमत्कार की तीसरी जड़ी बूटी है डीवॉर्मिंग। हाँ, और एक सफल डीवॉर्मिंग रणनीति महत्तम लाभ देगी। दूध दही की नदियां बहेंगी, खुशियों की बौछार होगी। लेकिन ये बौछार तभी होगी जब पशु के उम्र और वजन के हिसाब से उन्हें दवाई दी जाए, ना कम ना ज्यादा। डीवॉर्मिंग की प्रक्रिया का ध्यान से पालन करने पर दूध की मात्रा में तो कई गुना बढ़ावा होगा ही, साथ ही साथ तंदुरुस्ती में भी वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, अब इनको ये तो बताएं कि इन्हें ये डीवॉर्मिंग कब कब करवानी चाहिए? डीवॉर्मिंग या कृमिनाश गर्भधारी पशुओं को 2 बार कराना जरूरी है, एक प्रसव के कुछ ही दिन पहले और फिर प्रसव के 6 हफ्ते बाद। बछड़ों को उनके जन्म के 15 दिनों में पहली बार, और फिर 6 महीने तक हर महीने 1 बार कृमिनाश करवाएं। 6 महीने के ऊपर के उम्र के पशुओं को साल में 2 बार, एक बरसात के पहले और फिर दूसरी बार बरसात के बाद डीवॉर्मिंग करवाना जरूरी है। वैसे तो पूरे गांव के पशुधन का एक साथ में ही डीवॉर्मिंग कराए तो सबका भला होता है, क्योंकि कीड़े तो साफ हो ही जाते हैं, साथ में कीड़ों के अंडों की संख्या भी घट जाती है। लेकिन डीवॉर्मिंग कराने के बाद भी अगर कोई परेशानी है तो तुरंत ही आपके पशु के गोबर की जांच करवाएं, क्योंकि कृमि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंग जैसे जिगर, आंतों और फेफड़े में जाकर खून चूसते हैं। लेकिन घबराइए मत, इन सभी की दवाइयाँ अब मिल जाती हैं। मुझे पता था कि बछड़े में कीड़े होते और उनका डीवॉर्मिंग करना पड़ता है, लेकिन बड़े पशु में भी कीड़े होते और उसके दूध उत्पादन में कमी होती है, इसकी जानकारी मुझे 1 साल पहले हुई। इस 1 साल के अंदर मैंने मेरे सारे पशुओं का डीवॉर्मिंग करवाया, इसलिए सभी पशुओं की सेहत बहुत अच्छी है और दूध उत्पादन पहले से बढ़कर ज़्यादा हो गया है।
मैं मेरा नफा बढ़ाने के लिए ये डिवॉर्मिंग समय समय पर करवाता रहूंगा। अब आई बात समझ में, करवाएंगे ना डिवॉर्मिंग सही समय पे।